भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका लगा। 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच के दौरान चोटिल हुए रोहित शर्मा अब वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। रोहित की जगह वनडे इंटरनेशनल टीम में मयंक अग्रवाल को जबकि टेस्ट टीम में शुभमन गिल को जगह मिली है। शिखर धवन पहले ही चोट के चलते इस दौरे से बाहर हो चुके हैं। रोहित के भी बाहर होने से टीम इंडिया को इस वनडे सीरीज में नियमित सलामी बल्लेबाजों के बिना उतरना होगा। कप्तान कोहली ने रोहित के बाहर होने पर कहा कि रोहित का वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वनडे में पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करेंगे जबकि केएल राहुल को मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी होगी। हम चाहते हैं कि वो विकेट कीपिंग के साथ साथ मध्यक्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालें। रोहित पिछले काफी समय से अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में वो 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। रोहित काफ इंजुरी के चलते वनडे इंटरनेशनल सीरीज और टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 5 फरवरी को हैमिल्टन में, दूसरा 8 फरवरी को ऑकलैंड में और तीसरा वनडे 11 फरवरी को माउंट मांगनुई में खेला जाएगा। इसके बाद 21 फरवरी को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। बड़ी बात यह है कि अब रोहित के बिना विराट कोहली काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।